हमें बहुत खुशी है। अभी हम कल गुजरात विज़िट करके आए थे सीएम साहब के यहाँ, तो उन्होंने वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, उन्होंने हमारी फिल्म गुजरात में टैक्स फ्री कर दी है और महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारी फिल्म टैक्स फ्री कर दी है, तो हमें बहुत बहुत खुशी है। अभी अभी ये न्यूज़ मिली है तो हम सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, जो सरकार अवेयर जिसलिए करवाना चाह रही है, यही ये फिल्म कर रही है। ये लोगों को एंटरटेन कर रही है और एंटरटेनमेंट में अवेयर कर रही है, और ये फिल्म इमोशनल है, कॉमेडी है, तो ये एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है। और इसका टैक्स फ्री होना जो है वो एक तरह से वो सब लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके बारे में आप देखिए और आप लिखिए सर। मैं तो हिंदी में लिखे हैं, हिंदी इज़ न्यू कूल। ओके, थैंक यू। डेफिनेटली हम हर जगह ट्राई कर रहे हैं, अभी यहाँ से एक शुरुआत हुई है, अभी दिल्ली सब जगह पे हम पहुँचेंगे इसको लेकर। एक्चुअली क्या है, देखिए सरकार एक किसी भी अवेयरनेस के लिए कई सौ करोड़ रुपया खर्चा करती है। ये तो हमने रिसर्च करके अपने मनोरंजन के लिए एक फिल्म बनाई है जिसमें कि ये मैसेज उसके अंदर निहित है कि कैसे एजुकेशन, किस तरह की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और कैसे अपनी लोकल लैंग्वेज का, अपने लोकल कल्चर का हमें सम्मान करना चाहिए। जी देखिए, ऐसा कभी कम होता है कि आदमी बहुत बहुत एक्साइटेड है, कई बार बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी एक हफ्ते पहले फिल्म दिखाना शुरू कर दे। हमें पता था कि इस फिल्म का, इसका पोटेंशियल क्या है और ये कैसे लोगों को टच करेगी, किस तरह से लोगों से कनेक्ट करेगी, इसीलिए भूषण जी ने, डीनो ने, सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम पहले से दिखाना शुरू कर देंगे ताकि जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और हम दिखा रहे हैं और आप बाकी सब आपके सामने, आप भी आइए प्लीज़ देखिए। जैसे एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट का थैंक्स। और मैं बाकी जो भी राज्य की सरकारों ने टैक्स फ्री किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें वो आएँ और देखें इस फिल्म। जी बहुत एक्साइटेड थे वो, और दीपक डोबरियाल के लिए वो पागल हो गए वो, और वो उनके प्यार में हैं। वो सुबह भी निकल गए कहीं छुट्टी पे, तो और ज़्यादा बात करने का मौका में नहीं मिला, लेकिन वो बहुत खुश थे। और ये फिल्म हमने परिवार के लिए बनाई है, होलसम एंटरटेनमेंट बनाई है, फैमिली एंटरटेनमेंट बनाई है, इसलिए थैंक यू।
अच्छा आप भी किसी इस फिल्म को देखने के लिए आए हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं और आप क्या चाहेंगे और क्या-क्या इसको लेंगे? इसके जो डायरेक्टर हैं साकेत, उनकी पिछली फिल्म मैंने देखी है और वो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। इसके बारे में सुना बहुत अच्छा है, इरफान बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके बारे में तो पता ही है, और भी इसमें एक्टर्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रोड्यूसर इसके दिनेश विजय ने, जिनके साथ मैंने उनकी पहली फिल्म बनाई है, तो बहुत सारे धागों से बंधा हूँ। आप सर किसकी परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं? किसकी प्रपोजल के लिए? परफॉर्मेंस के लिए। एक्चुअली मैं मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट डायरेक्टर की परफॉर्मेंस की होती है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनकी पिछली फिल्म मैंने देखी थी और बहुत पसंद आई थी, तो फिर उस वजह से मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। गुड इवनिंग, हाय, हाउ आर यू? इम्तियाज, माय कलीग आल्सो वांटेड टू आस्क यू कि नए स्टैंडर्ड्स अब स्थापित हो रहे हैं फिल्मों में, विद बाहुबली कमिंग अप, क्रॉसिंग द रीजनल मार्जिन, एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, श्योर आप इस पे अपनी? आई फील दैट द इंडियन मार्केट इज स्ट्रेचिंग आउट अ लॉट, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट वी हैव मूवीज लाइक बाहुबली विद दैट काइंड ऑफ ग्रैंड्योर एंड बजट, मेकिंग सो मच मनी। It's a matter of great encouragement for all of us. The subject matter is changing. Movies are at that stage of product life cycle where different movies can be made and enjoyed by the same audience at the same time. So we've got Lunchbox, we've got Hindi Medium, we also have Bahubali running in the same theater behind you. It's a magnificent time for people like me. And before you leave, I know you must be late. क्या हम आपके फिल्म के बारे में पूछ सकते हैं कि टाइटल और? आप पूछ सकते हैं मगर मैं जवाब नहीं दे सकता जब तक कि उसका कोई अभी टाइटल फिक्स नहीं हुआ है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारी पब्लिसिटी कब से शुरू हो रही है, सिर्फ ये पता है कि हमारा रिलीज डेट कौन सा होने वाला है। तो रिलीज डेट पक्का रहेगा, नो चेंज इन दिस? नहीं, रिलीज डेट इज द सेम। And when are you planning? Like, have you decide किया है कब से promotions या? नहीं नहीं, अभी तो मैं फिल्म ही को edit, log वगैरह कर रहा हूँ, तो वो होगा, all in good time. Any more film with Ranbir expected? I always expect to do a film with Ranbir. उम्मीद है जल्दी, पता नहीं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप रणबीर कपूर के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, तो ऐसा तो उनका जो है लुक भी एक आया है मुझे बिल्कुल। एक्चुअली मैंने जब तमाशा में शूट कर रहा था तो वहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स रणबीर के खींच करके राजू हिरानी को भी भेजे थे कि ये तो ऑलरेडी इतना लगता है दत्त की तरह, विच इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू रणबीर आई थिंक। एंड देन फिर रणबीर शोड मी एंड राजू सर शोड मी हिज लुक इन इनक्रेडिबली क्लोज, एंड I'm really very, very keen to see what they have done. Thank you so much. Thank have you. Pleasant Thank you evening. So much. Thank you. Thank you.